करेंगे एक बड़ी खबर का जो दिल्ली से मिल रही है। उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को अनिल बैजल ने इस्तीफा सौंपा है। बैजल ने इस्तीफे का निजी हवाला दिया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को अनिल बैजल ने इस्तीफा सौंप दिया है और साथ ही बैजल ने निजी हवालों से ये इस्तीफा दिया है। अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है और राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया गया है। हालांकि जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि निजी कारण रहे जिसके चलते ये इस्तीफा दिया गया। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है और राष्ट्रपति को यह इस्तीफा सौंपा गया है और निजी हवालों से ये इस्तीफा दिया गया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और बैजल को नजीबगंज की जगह 2016 में उपराज्यपाल बनाया गया था। तो 2016 में उपराज्यपाल बनाया गया था, जिसके बाद आज दिल्ली के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया है। हालांकि क्या कारण रहा इसके पीछे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि निजी हवालों के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है, हालांकि कारण क्या रहे इसके पीछे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गई है। ममता, क्या जरा जानकारी, क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाए हैं, क्या क्या कारण रहे जिसके चलते उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल कारणों का तो नहीं पता है, लेकिन जो अनिल बैजल ने इस्तीफा सौंपा है उसमें उन्होंने निजी कारण बताए हैं कि निजी कारणों के चलते उन्होंने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी में पत्र में जिक्र किया है वो निजी कारण का जिक्र किया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और क्या नेताओं की तरफ से कुछ रिएक्शंस देखे जा रहे हैं ममता, और क्या ज़रा जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? क्योंकि अचानक से इस्तीफा दे देना कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अचानक ही अनिल बैजल का इस्तीफा आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और लंबे समय से उपराज्यपाल पद पर वो काम कर रहे थे, और अचानक ही कहा जा सकता है कि खबर आती है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि जो उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो निजी कारणों के चलते इस्तीफा सौंप रहे हैं। हालांकि कयास तमाम तरीके से लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि निजी कारण पर्सनल कारणों के चलते ही वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला उपराज्यपाल कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक अनिल बैजल की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, अब देखना ये भी होगा कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और निजी कारणों का हवाला दिया है पूरे पत्र में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है और उसके पीछे का कारण निजी बताया जा रहा है। हालांकि कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, जिसके बाद आज अचानक से इस्तीफा देना कई सारे सवालों को जन्म देता है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।